तो चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का टुडे बोला यूट्यूब चैनल के और एक नई वीडियो पे। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त अत्यंत सिंह मरकाम। आज हम लोग मौजूद है छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के कांसर और डुमा घाट के मध्य एक रपटा है, और इस रपटा की कहानी कुछ ऐसी है कि ये किसी खौफनाक से कम नहीं है। कहने का मतलब, इस रपटा पे आए दिन कितने लोगों की जानें चली गई है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, गर्मी के महीने में हो, चाहे सर्दी के महीने में हो, चाहे बरसात के महीने में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ जो हादसे खुलेआम लोगों को दावत दिया जा रहा है, दुख इस बात की होती है कि इस जगह इस रोड पर आए दिन शासन प्रशासन के जनप्रतिनिधियों के काफिले गुजरते रहते हैं, बावजूद किसी का ध्यान इस रपटा की ओर नहीं गया है। अभी मैं कुछ समय बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा इस रपटा की हाल। यहाँ पर बहुत ऐसी असुविधाएं हैं जिससे यहाँ के इलाका के जो ग्रामीण हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में समस्या है, किसानों को खेती किसानी जाने में समस्या है, और अपने राशन पानी लेने के लिए राशन दुकानों तक जाने के लिए तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, डुमाघाट और कारसर के किसानों को ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है आज के डुमाघाट के सरपंच पति सुगन सोरी जी हमारे साथ हैं, तो इनसे हम चर्चा करेंगे कि इस रपटा के बारे में कि अब तक इन्होंने अपनी ओर से सरपंच स्तर पर है, जैसे सरपंच के तौर पर उन्होंने क्या भूमिका निभाई है इस रपटा को डेवलप करने में, इसका जीर्णोद्धार करने में। तो आप हमें बताइए भैया, आप जैसे कि सरपंच पति हैं, जो आप सरपंच हो इस गांव के जी, तो सरपंच के नाते आपने अब तक इस रपटा की विकास और विस्तार के लिए जी क्या ऐसी भूमिका निभाई है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासकर इस रपटा को लेकर? हमारे रपटा के लिए बहुत दिक्कत जाती है, मतलब पानी बरसात में कहीं महिला जैसे अपन डिलीवरी पेशेंट्स लेने से भी लेके रपटा पूरा तार वगैरह पूरा खड़ा हो चुका है, उसमें बहुत दिक्कत जाता है। पानी बरसात में जैसे राशन के लेने जाते हैं डुमाघाट में, तो उसी में भी पानी बरसात आती रहता है, गाय बैल, और इधर आश्रम पड़ा है बाबा आश्रम, हजारों आदमी आना जाना करते रहते हैं, उन लोग के गाड़ी धंस जाती है यहीं पे, फिर उसको लेके हम लोग लेके खींचताछ के उसको खिंचवा देते हैं। बहुत सारा दिक्कत है, मतलब हम लोग आने जाने का पूरा छड़ लेके पूरा वो टंगा हुआ है, बहुत नहीं किसान लोग गिर पड़ भी जाते हैं भैया ने कि बाइक में, कई सारा लोग, मैं खुद नहीं कि बाइक से नहीं कि एक जन डोकरा से नहीं कि हम लोग गिर गए। तो अभी फिलहाल के लिए सरकार की ओर से क्या अपडेट है, खासकर रपटा को क्या उनका कहना है, रिप्लाई क्या आया है? नहीं, अभी तो हमारे पंचायत की ओर से कोई रिप्लाई वगैरह नहीं है, जो मतलब यहाँ का जो ठेकेदार को हम लोग अवगत करवा रहे हैं कि कुछ अपना रोड मतलब उसको कुछ बना जाए। क्या बोलते हैं, कब तक बन जाएगा? नहीं, वही तो कोई मतलब दो चार आदमी ऐसे बना के वैसे हम लोग फोटो वोटो खींच के दिए हैं, आज तक बनेगा बोलते हैं। एक आध बीच में नहीं कि ठेकेदार लोग भी आए थे, बोले कि नहीं बनेगा करके, लेकिन कब तक बनेगा कोई पता नहीं। तो आपने कभी ट्राई किया है कि जिला स्तर से उठकर थोड़ा सा शासन प्रशासन की जो बड़े आला अधिकारी हैं उनको इस जगह के बारे में, इस असुविधा के बारे में आपने कभी अवगत करवाया है? नहीं 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 क्या है, हम लोग ने कि इस रपटा को देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं पंचायत के, कुछ भी थोड़ा करना बोले नहीं कि उसको रिपेयरिंग करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन क्या है रोड का है तो कहीं बहुत सारा नहीं कि खर्चा में आएगा, पूरा टूट गया है, नीचे टूट गया है, पूरा फट गया है, उसमें बहुत बजट लगेगा, तो उसके लिए कि हम शासन को जो ठेकेदार है वो आके कुछ देख के बनाए, वही हमारी तो समस्या है। आप सुन रहे थे सुरम सूर्य जी, सरपंच पति डुमाघाट के। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़दीकी से दिखवाता हूँ इस रपटा का क्या हाल हो रखा है। जी, तो यह है डुमाघाट रपटा का हाल, आप लोग देख सकते हैं। ये रोड है मेन रोड, यहाँ पर कई गाड़ियाँ गुजरती है, कई मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले, गाय बैल चराने वाले सब लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रास्ते के ठीक बीचों बीच जो सरिया है निकला हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता कोई रात में इधर से गुजरता है, अगर ये सरिया लगता है तो इसका अंजाम क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो 12 महीने जो पानी का बहाव तेज़ रहता है आप लोग समझ सकते हैं, अभी जनवरी का महीना आने वाला है, दिसंबर का महीना जाने वाला है, बावजूद पानी का बहाव आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति रहती होगी रपटा की, और क्या स्थिति रहती होगी इन गांव वालों की जब बरसात के महीने में इस जगह से अपना गुजर बसर करते हैं। साथ ही हम आप लोग को बताना चाहेंगे वहाँ पर भी आप लोग सरिया देख सकते हैं, 3-4 सरिया ऊपर की ओर उठी हुई है, और जो ज़मीनें हैं पूरी तरह से कट गई है, ऊपर का जो सीमेंट वाला हिस्सा है पूरी तरह से कट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये जो सरिया है,
ठीक है ना। अगर उधर से कोई आता है तो ये सरिया उसके ठीक नीचे आएगा, चक्का के नीचे। और मान लो इधर से डुमाघाट साइड से कोई भी आता है तो इसके लिए भी यही मतलब एक बहुत बड़ा हादसा का दावत दे रहा है। इस तरह से जो खुली हुई सरिया है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि सरकार इस पर कब काम करेगी। और समझ में मुझे ये नहीं आता और हैरान करने की बात है कि इस इलाके में जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, कई लोगों के काफिले जो है इस जगह से गुजरती है, बावजूद किसी का ध्यान नहीं गया है। और कब तक इस डुमाघाट और कांसर के ग्रामीण कब तक इस तरह की समस्याओं का सामना करते रहेंगे और कब इनकी समस्याओं का समाधान होगा, बात आज भी अधेरे में फंसी हुई है। उमेश नागेश भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत जल्दी बनना चाहिए क्योंकि इधर आदमी बहुत आना जाना लगा रहता है, खास करके इधर बाबा धाम भी रहता है, बाबा धाम भी है कणसर में उदयनाथ लपटा के जगह में। हमको पुल बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए ताकि हम लोग को आने जाने में असमर्थ ना हो।